हेलो फ्रेंड, आज हमारे पास एक लेनोवो का मदरबोर्ड है। इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है, डेट का कंडीशन आ रहा है। इसका मॉडल नंबर की बात करें तो जो है G560 है, ठीक है जी। तो इसमें बेसिकली जो प्रॉब्लम आ रही है, डेट का कंडीशन आ रहा है। चलिए मैं डीसी के साथ में कनेक्ट करके आपको बताता हूँ। हम देख सकते हैं डीसी को कनेक्ट कर दिया। जैसे पावर ऑन कर रहा हूँ, एम्पियर ऑटोमेटिकली 48048 ले रहा है। दैट मीन्स मदरबोर्ड में शॉर्टिंग का इशू हो सकता है, डेट का कंडीशन है। एक बार मैं फिर से आपको पावर ऑन करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं फ्रेंड, कोई मूवमेंट नहीं और पावर ऑन नहीं हो रहा है। देख सकते हैं, मैंने यहाँ डीसी जैक लगा रखे हैं, देख सकते हैं, और कोई भी एम्पियर में मूवमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको ऑन करके भी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ भी दबाया, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड, ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं, चलिए फ्रेंड पहले वोल्टेज हम चेक करके बताते हैं आपको। डीसी पे कनेक्ट करेंगे, डीसी पे कनेक्ट करने के बाद जो है वोल्टेज को हम चेक करेंगे। देख सकते हैं, ग्राउंड लेंगे, ग्राउंड लेने के बाद चेक करेंगे 19 वोल्ट बन रहा है फ्रेंड। अब देख सकते हैं 19 वोल्ट की सप्लाई है। अगर बैटरी जैक की बात करें तो यहां पे चेक करेंगे, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं है। और 3.5 की सप्लाई की बात करें तो इस बोर्ड पे 3.5 का जो सेक्शन है वो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इसको चेक करते हैं, यहाँ पे फ्रेंड आप देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज नहीं है, देख सकते हैं कोई भी वोल्टेज यहाँ पे नहीं बन रहा है। दोनों कॉइल के ऊपर जो है कोई वोल्टेज नहीं बन रहा, ये ऑलवेज कॉइल है, यहाँ पे कोई भी सप्लाई नहीं बन रही है। दैट मीन्स इस बोर्ड में शॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सप्लाई ब्रेक हो रही है, कोई ना कोई सप्लाई ब्रेक हो रही है। अगर बात करें तो 3.5 यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच पे 3 वोल्ट की सप्लाई भी नहीं बन रही होगी। मैं चेक कर ले रहा हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 19 वोल्ट का जो है कैपेसिटर, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है। ऑन ऑफ स्विच के ऊपर देख लेते हैं, यहाँ पे 9 वोल्ट स्विच पे भी कोई वोल्टेज नहीं है, 3.3 वोल्ट की सप्लाई नहीं है। एक बार मैं आयु के ऊपर चेक कर लेता हूं, यहां भी कोई सप्लाई नहीं है। बायोस है, बायोस के ऊपर भी कोई सप्लाई नहीं है। तो फ्रेंड इस बोर्ड में कहीं ना कहीं डेड शॉर्टिंग है, आप देख सकते हैं। एम्पियर जो है 48 लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले बोर्ड में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, पहले चेक करते हैं। इसको मैं बंद करता हूं, पावर को डिस्कनेक्ट किया, मैं चेक करूंगा। मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर रिसेट करेंगे,
You can see friends, here is a getting beep and showing impedance 33. But we are not confirm shorting is here. एक यहाँ पे शॉर्टिंग दे रहा है, फिर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, इम्पीडेंस इसका देख लेते हैं फ्रेंड। थर्टी सिक्स का है, उसके बाद जो है ये तीन पांच का सेक्शन भी देखना पड़ेगा। इम्पीडेंस 406 413, ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग, फिर चेक करते हैं। यहाँ पे भी इम्पीडेंस हो कर रहा है फ्रेंड, शॉर्टिंग यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी शॉर्टिंग दे रहा है फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, यहाँ पे जो है बीप दे रहा है, देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बस पर बीप दे रहे हैं। पहले मैं हटाता हूँ इसको पहले। कैपेसिटर हटाने के बाद फ्रेंड क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने कैपेसिटर यहां से जो है तीनों कैपेसिटर हटा दिए हैं। अब ट्रैक पे मैं चेक करूंगा, थर्टी फाइव का इम्पीडेंस आ रहा था। देख सकते हैं फ्रेंड, यहां पे जो शॉर्टिंग आ रही थी वो शॉर्टिंग हट गया। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे भी बीप आ रहा था, आप देख सकते हैं शॉर्टिंग यहाँ से भी ब्रेक हो गई। तो दैट मीन्स तो फ्रेंड शॉर्टिंग यहाँ से हट गई, इस कैपेसिटर में से कोई ना कोई कैपेसिटर खराब होगा। मैं चेक करके दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है,
ये भी ठीक है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये कैपेसिटर शॉर्ट हो चुका है, इसकी वजह से हमारा बोर्ड ऑन नहीं हो रहा था। आप देख सकते हैं फ्रेंड ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो रहा था, देख सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मैं इनको लगा देता हूं, पहले थोड़ा सा शोल्डर वायर देना पड़ेगा फ्रेंड। हाँ ये कैपेसिटर इजीली बैठ जाएगा फ्रेंड। एक कैपेसिटर मुझे इधर से निकालने पड़ेंगे फ्रेंड। तीन कैपेसिटर यहाँ से हटाया था फ्रेंड, तीनों मैंने लगा दिए यहाँ पे, आप देख सकते हैं तीनों लगा दिए मैंने, कैपेसिटर लगा दिए फ्रेंड, आप देख सकते हैं तीनों कैपेसिटर लग गए यहाँ पे। और फिर मैं एक बार शॉर्टिंग को चेक कर लेता हूँ, शॉर्टिंग को चेक करके यहाँ पे जो बीप आ रहा था
आप देख सकते हैं बीप नहीं आ रहा है, सभी कैपेसिटर पे बीप आ रहा था, देख सकते हैं। तो बोर्ड से शॉर्टिंग हट गया फ्रेंड, अब पावर को कनेक्ट करते हैं फिर पता चलेगा। तो चलिए फ्रेंड कनेक्ट करते हैं। हम देख सकते हैं फ्रेंड, पहले जो हमारा एम्पियर 48 जा रहा था, अब जो है 8 पे 10 पे है, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पावर ऑन करके बताता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा बोर्ड ऑन हो गया और एम्पियर उतना सारा 1 एम्पियर के समथिंग आने लगा, आप देख सकते हैं। फिर से मैं दिखाना चाहता हूं आपको, देख सकते हैं फ्रेंड। अब मैं आपको ऑन करके दिखाता हूं, देख सकते हैं हमारा बोर्ड ऑन हो गया फ्रेंड्स। फिर मैं डिस्प्ले आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड फाइनली मैं एक बार डिस्प्ले आपको दिखाना चाह रहा हूं, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड हमारे बोर्ड पे डिस्प्ले आ गया, देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, अगर ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लैपटॉप की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, उस नंबर पे फ़ोन कीजिए। ओके थैंक यू।